हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो और कोई भी मॉडल हो, न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? सर्विस सेंटर जाओगे या किसी मोबाइल दुकान के पास जाओगे? लेकिन दोनों जगह आपसे आपका पैसा लिया जाएगा, आपका समय लिया जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर का जो डाटा होता है वो डाटा भी लिया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पर्सनली बताने आए हैं कि आपको डाटा सेफ कैसे रखना है और अपना मोबाइल का लॉक को ब्रेक कैसे करना है बिना सर्विस सेंटर गए हुए। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड, तो फ्रेंड आइए मैं वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहला वर्क आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है, ऐसे स्वीपअप करना है। जब आप ऐसे स्वीपअप करोगे तो नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिखेगा, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर देना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू डायलेट खुलेगा कुछ इस प्रकार का। इस न्यू डायलेट में आपको सबसे पहला एक कोड का इस्तेमाल करना है, जिस कोड का नाम होता है ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड। उस कोड की मदद से आपका डाटा सेफ हो जाएगा, आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा सिर्फ इसी कोड की मदद से। और जो मैं कोड आपको दे रहा हूँ फ्रेंड, वो अगस्त मंथ का लेटेस्ट कोड है, इसीलिए इस कोड को लिख लीजिएगा, ताकि ये कोड का कंप्लेन भी आ चुका है बहुत बार कि सर एक बार कॉल करते हैं ये कोड गायब हो जाता है। तो आप लोग अगर इसको लिख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये कोड गायब भी हो जाएगा ना फ्रेंड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप लोग को। तो ये कोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस कोड को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, स्टार के बाद हैज होगा, 756 हैज, यही वो स्मॉल कोड है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है छोटा या बड़ा का, बस जो नियम बोलता है। इस कोड को आपको 5 कॉल करना है ताकि ये कोड अपना वर्क कंप्लीट कर सके। 5 कॉल करना है। कॉल कैसे करोगे? कॉल पे क्लिक करोगे, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको इग्नोर करते हुए ओके कर दीजिएगा। ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। 5 कॉल करने के बाद इस कोड को आपको एक एक करके हटाना है। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड हटाने का, आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तो ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा। फर्स्ट कोड की मदद से हम लोग अपना डाटा सेफ किए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग का फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको सेकेंड कोड देने वाला हूँ, उस कोड का नाम होता है फ्रेंड FRP कोड। उस कोड के मदद से आपका फ़ोन के अंदर का FRP कोड टूटेगा और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक से अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड, सिर्फ इस कोड के मदद से। तो ये कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है फ्रेंड, इस कोड को ध्यान रखना, ये सब कोड आप लोग को मिलेगा नहीं कहीं, ये सिर्फ ओनली सैमसंग वालों के लिए है, आप लोग हमेशा याद रखना, कोई अदर मोबाइल में ट्राई करने का कोशिश भी मत करना फ्रेंड। इस कोड को 9 कॉल कर लेना। इस कोड को दो नाम से जाना जाता है फ्रेंड, पहला FRP कोड के नाम से, दूसरा गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड के नाम से जाना जाता है। इस कोड को आप लोग हमेशा याद रखना, इस कोड को 5 कॉल करना है फ्रेंड, 9 कॉल करना है, सॉरी मैं पिछले टाइम का याद कर लिया था। इस कोड को 9 कॉल करना है, ताकि ये कोड, इस कोड का 2 होता है, पहला होता है लॉक तोड़ना और दूसरा होता है FRP लॉक तोड़ना, इसीलिए इसको 9 आपको कॉल करना है। कॉल कैसे करना है? ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग किए थे पिछले टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। अगर आप लोग एक बार एक्स्ट्रा भी कॉल कर दोगे ना फ्रेंड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम कॉल मत करना। अगर एक बार ज़्यादा भी कर दिए गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इस कोड को डायरेक्ट हटा दीजिएगा, उस कोड को हम लोग एक एक करके हटाए थे, लेकिन इस कोड को हम लोग डायरेक्ट हटाए हैं। अब आपका और मेरा वर्क हो चुका है ख़त्म, तो यहाँ पर होम बटन है, होम बटन पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि आपका सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या नहीं। यहाँ पर होम बटन है, हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हो कि ये फ़ोन सच में अनलॉक हो चुका है और इस फ़ोन का डाटा भी सेफ है, आप देख सकते हो एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है।
अगर आप सर्विस सेंटर जाते पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी आप लोग का लग जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहेगा। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।